हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल किंग अभिषेक। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके फ़ोन में कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ़ोन में कोई ऐप आ चुका है जो आपके फ़ोन को ट्रैक कर रहा है, उसकी खबर किसी दूसरे तक पहुंचा रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ऐप कैसे ढूँढें। ऐप तो नहीं मिलेगा, पर दोस्तों वो ऐप काम करना बंद हो जाएगा हमारी टेक्निक से। तो दोस्तों सिंपली हमें आप जाना होगा अपने सेटिंग्स में यहाँ पर क्लिक करना होगा मोर सेटिंग्स पे, फिर सिंपली मोर सेटिंग ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपली एसेसबिलिटी, तो हमें एसेसबिलिटी पे क्लिक करना होगा और फर्स्ट देखना होगा एसेसबिलिटी शॉर्टकट क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलाउ फ्रॉम होम स्क्रीन ऑफ होना चाहिए और यहाँ पर सिंपली ये जो है शॉर्टकट सर्विस, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉक बैक पे क्लिक होना चाहिए। अगर एसेसबिलिटी मीनू है, जो एसेसबिलिटी मीनू है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो स्पाई ऐप को आपके फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और दोस्तों अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पीक टू पिक, और ये टॉक बैक, ये पहले से दिखाते हैं। सेलेक्ट टू पिक हमेशा ऑफ होना चाहिए और टॉक बैक भी ऑफ होना चाहिए, ये दोनों ऐसे हैं। अगर सेलेक्ट टू पिक ऑन करेंगे तो यहाँ पर साइड में हमेशा के लिए स्क्रीन ऑफ हो, बंद हो, एक आइकन बन कर आएगा। वो उस आइकन से ये होता है, हम उस पर जब क्लिक करेंगे उस आइकन पे तो आइकन सिंपली बताएगा हम लोगों को और जो हमारे स्क्रीन पे ऐप और जो कुछ भी लिखा होगा उनको पढ़ के, जिससे उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी जो लोग आपकी स्क्रीन को स्पाई कर रहे होंगे, आपका फ़ोन को सिंपली स्पाई कर पाएंगे। क्योंकि आप जो भी कुछ चलाएंगे जब ऑन करेंगे आप उसे, तो वो लोग भी अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ये आपका ऑफ होना चाहिए सेलेक्ट टू पिक, आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ फिलहाल। देखिए दोस्तों हमारा सेलेक्ट टू पिक ऑन हो चुका और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बन के आ रहा है सिंपली। No text found at that location. No text found at that location. ये देखिए दोस्तों, ये हम जो भी कर रहे हैं ये बोल रहा है। No text found at that location. इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमेशा यहाँ बना रहेगा शॉर्टकट की तरह। Select to speak. Navigate up. Settings. ये देखिए तो दोस्तों हमें select to speak, मैं एडवाइस दूंगा कि आपका सेलेक्ट टू पिक हमेशा ऑफ रहना चाहिए सिंपली। देखिए हम ऑफ करेंगे, वो यहाँ से जा चुका है। और दोस्तों एक और बात, वाइब्रेशन आपके फ़ोन में हमेशा ऑन होना चाहिए, अगर वाइब्रेशन ऑफ होगा, ये दोनों रिंगिंग है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच वाइब्रेशन, ये ऑन होने चाहिए। अगर ऑफ होगा तो दोस्तों वो लोग अपने सिस्टम से आपकी ये डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आसानी से ले पाएंगे, आपका फ़ोन कभी भी वाइब्रेट कर देंगे, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। अगर हम लोग का फ़ोन दिन भर वाइब्रेट करेगा तो फ़ोन में भी कोई ख़राबी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, अगर मैंने जितना बोला ये सब ऑन ऑफ होगा तो आपका फ़ोन
में स्पाई ऐप काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी स्पाई ऐप की परमिशन हमारे फ़ोन से ही मिलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।